छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया। शुक्रवार को भी उन्हें एक कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद उनकी हालत ज़्यादा गंभीर हो गई थी। शुक्रवार को रायपुर के नारायण हॉस्पिटल में अजीत जोगी ने अंतिम सांस ली। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का आज दोपहर निधन हो गया। जोगी का रायपुर के नारायणा अस्पताल में पिछले 21 दिनों से उनका उपचार चल रहा था और जोगी तभी से कोमा में थे। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील खेमका और डॉक्टर पंकज ओमर के नेतृत्व में विशेषज्ञों की टीम लगातार 24 घंटों तक उनके स्वास्थ्य की निगरानी में जुटी थी। डॉक्टर खेमका ने बताया कि इस बीच उन्हें एक विशेष इंजेक्शन दिया गया था, जिसका प्रयोग अभी तक छत्तीसगढ़ में बहुत कम हुआ है। इस इंजेक्शन के लगाए जाने के बाद से जोगी की हालत में थोड़ा सुधार दिख रहा था, लेकिन कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी हालत बेहद गंभीर हो गई और उनका निधन हो गया। 9 मई की सुबह उनकी हालत बिल्कुल सामान्य थी। सुबह के वक्त नाश्ते के बाद वे बंगले के बगीचे में बैठे थे। इस दौरान उन्होंने पेड़ से गिरे गंगा इमली के फल को खाया। फल का बीज उनके गले में फंस गया, इसके बाद वह बीज श्वास नली में अटक गया। इस घटना के बाद जोगी कोमा में चले गए थे। पिछले कुछ दिनों से उनके मस्तिष्क में थोड़ी हरकत शुरू हुई थी और उम्मीद की जा रही थी कि जोगी जल्द स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आज इस जुझारू राजनेता ने अंतिम सांस ली। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।